कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 7, 7 कोदाटी एक्सप्रेस सियालदा से चलकर किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कूच देहर के रास्ते न्यू अलीपुर द्वार को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग करना है वीडियो में आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग जर्नी करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 12377 अपना सियालदा न्यू अलीपुर द्वार पदातिक एक्सप्रेस में, जो कि अभी फिलहाल न्यू जलपाईगुड़ी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में खड़ी है। जी हाँ गाइस, आज हम लोग पदातिक एक्सप्रेस में जर्नी करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी इस ट्रेन पर जर्नी किया था, लेकिन वो जर्नी जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, तो ये सेकेंड ट्राई आप लोग कह सकते हैं। ताकि ये जो ट्रेन है, एक रेप्यूटेड ट्रेन है NF रेलवे में, तो इसका थोड़ा इज्जत बरकरार रखने के लिए मैं इसका जो फिर से वीडियो बना रहा हूँ, मतलब गेम प्ले कर रहा हूँ। और सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ग्रीन सिग्नल तो दे दिया गया है, टाइम भी अपना हो चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ से फिलहाल डिपार्ट करते हैं। आज का हमारा लोको इन लीड है सिलीगुड़ी का, क्या लोको है देखने भी नहीं दे रहा ये गेम, ये WDG4 है। हाँ, तो सिलीगुड़ी का ये WDG4 है, ऑफ लिंक लोकोमोटिव है, रेगुलर लिंक तो इसका WDM3D होता है एल को। ठीक है, तो चलिए बाकी बातें हम लोग रास्ते में करेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से डिपार्ट करते हैं हॉर्न मारते हुए। और हाँ गाइस, ये गुड्स लोकोमोटिव है, तो इसका स्पीड जो है 110 तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा। ठीक है, और हाँ गाइस, आप लोग जैसे कि बगल में देख सकते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी में यहाँ एक आर्मी वाला कोच है, ऐसी थ्री टायर वाला, और इधर एक एल्को भी अंडाल का WDG3 है, और इधर जो है अपना BRC Web 7, जो कि अपने पदातिक एक्सप्रेस को लीड करके लाई थी। ऑफ शेड लोकोमोटिव है BRC Web 7, हावड़ा का नहीं तो सियालदा का लोकोमोटिव लगता है। तो अभी हम लोग जो है फाइनली डिपार्ट कर चुके हैं, और आज का ये जो जर्नी है ना गाइस, ये होने जा रहा है अपना जलपाईगुड़ी रोड तक। और गाइस, आपको ये नया वाला हॉर्न साउंड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। EMD लोको का नया हॉर्न साउंड, ये अब से हर एक EMD लोको में यूज़ होगा। अब सब EMD लोकोस में तो यूज़ नहीं किया जा सकता है ना, तो सब में नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द EMD लोको में इसमें ये जो हॉर्न साउंड है ये यूज़ होगा। तो यहाँ सामने आप लोग देख सकते हैं, स्टेशन से निकलने के बाद ना थोड़ा बहुत लैग करता है, तो हम लोग को आगे बढ़कर लैग को मैन्युअली घटाना पड़ता है, जिससे जो है लैग कम हो जाता है। ठीक मालदा टाउन के जैसा ही है। और इधर से अपना ट्रैक भी स्विच होने वाला है, मतलब दूसरे ट्रैक में हम लोग नहीं जाने वाले, सिंगल लाइन में नहीं जाने वाले, हम लोग जो है डबल लाइन से ही जाने वाले। सिंगल लाइन यहाँ से अलग हो जाएगा, जो कि जाता है अपना सिलीगुड़ी जंक्शन की ओर, और सिलीगुड़ी जंक्शन से होते हुए ये, और ये जो सिंगल लाइन है ना, ये और दो हिस्सों में बट जाता है, जो कि बागडोगरा वाले लाइन की ओर, मतलब बागडोगरा की ओर एक, और दूसरा होता है सेवोक और अलीपुर द्वार की ओर। हाँ गाइस, ये डबल लाइन से भी हम लोग अलीपुर द्वार जा सकते हैं, लेकिन जो अलीपुर द्वार इस डबल लाइन से आएगा वो होगा न्यू अलीपुर द्वार, और सिंगल लाइन से जो आएगा वो होगा अलीपुर द्वार जंक्शन, दोनों ही अलीपुर द्वार शहर के जो है स्टेशन से। तो चलिए अभी हम लोग स्पीड और इंक्रीज कर देते हैं। और आज का हम लोग का ये जो EMD लोकोमोटिव है सिलीगुड़ी शेड का, ये LHF मोड में, ठीक है, मतलब लॉन्ग हुड फ्रंट वाला होता होगा इसका कुछ फुल फॉर्म, है ना, लॉन्ग हुड फ्रंट मोड में अभी। और ये WDG4 है गाइस, WDP4 नहीं, तो इसका जो स्पीड है ये 110 पे तो पहुंच ही नहीं पाएगा, इसका थ्रटल जो है कुछ ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, थ्रटल परसेंटेज ज़्यादा देना पड़ता है,
जिससे जो है स्पीड बढ़ जाए, वरना ऐसे थ्रटल पे वो एफ सेवन अगर होता ना तो 105 के स्पीड पे तो पहुंच ही जाता, एफ सेवन है तो एफ 105 के स्पीड पे पहुंच जाता। ओके गाइस, सामने से एक और ट्रेन आ रही है। हम लोग एक और ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होने जा रहा है। ओके, वैप 5 के साथ अपनी अरुणाचल एक्सप्रेस जो है अपने पदातिक एक्सप्रेस को क्रॉस करती हुई, एक जो है एक ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकल रही है और एक ट्रेन जो है न्यू जलपाईगुड़ी की ओर जा रही है। और हाँ गाइस, आपके लिए एक सवाल रहता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और सवाल ये है कि ये अरुणाचल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है, इस गेम प्ले में। हाँ गाइस, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा ना, इसका प्लीज़ चीटिंग करके जवाब मत देना, ठीक है। जिन लोग को जेन्युइनली पता होगा प्लीज़ बता देना, ये ऐसा Q&A में पूछा, ठीक है। और Q&A से याद आया, मैं सोच रहा हूँ कि Q&A वीडियो बनाऊँ, ठीक है, बहुत दिनों से नहीं बनाया है। और NFRV7 के बारे में भी बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत लोग तो लिंक भी मांगते रहते हैं, और एज़ यूजुअल मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अब तक ये रूट रिलीज़ तक नहीं हुआ है, लिंक कैसे मिलेगा, है ना। तो आएगा Q&A वीडियो आएगा, मैं ये वीडियो के बाद अपना ये पदातिक एक्सप्रेस के वीडियो के बाद जो है Q&A सेशन बनाने का कोशिश करूँगा। अगर मिनिमम क्वेश्चंस मुझे 5 चाहिए, ठीक है, मुझे मिनिमम 5 क्वेश्चंस चाहिए, लेकिन हाँ पर्सनल लाइफ रिलेटेड जो है थोड़े कम क्वेश्चंस आएंगे तो अच्छा होगा, ठीक है, Q&A के लिए अच्छा होगा। आप लोग गेम के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रूट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, Q&A पर्पस उसी के लिए होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल एक फाटक को क्रॉस करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल ट्रेन का स्पीड है 91 और इंक्रीजिंग, हाँ स्पीड अभी इंक्रीज हो रहा है। और अभी अपनों जो है अपना EMD के पास आ चुके हैं। ऑल राइट, हमें पूरा ग्रीन सिग्नल देके रखा गया है और न्यू जलपाईगुड़ी के बाद अब हम लोग कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा जाके रुकेंगे जलपाईगुड़ी रोड में। और उतना पैसेंजर ट्रेन के साथ तो हम लोग का कोई क्रॉसिंग होने नहीं वाला, एक क्रॉसिंग तो हो गया अपना अरुणाचल AC एक्सप्रेस के साथ, अब दूसरा क्रॉसिंग किसके साथ होगा वो पता नहीं। जहाँ तक मुझे पता है दो ट्रेन के साथ ही अच्छा क्रॉसिंग होता है, एक अरुणाचल और दूसरा एक इंटरस्टी एक्सप्रेस होता है, एक से मुझे याद करने मुझे याद आ गया, दूसरा ट्रेन है अपना हल्दीबाड़ी कोलकाता ड्राइव वीकली इंटरसिटी एक्सप्रेस, ठीक है, मतलब सुपर फास्ट है और प्लस इंटरसिटी भी है, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। वो ट्रेन जो है गाइस लगभग पूरा का पूरा ट्रेन जो है चेयर कार का है, रिजर्व कोचेस वाले चेयर कार, और 3 जनरल के कोचेस उसमें होते हैं और एक ST चेयर कार भी होता है, ठीक है। और गाइस, मैं आप सभी को इस ट्रेन का जो है पदातिक एक्सप्रेस का कोच कॉम्पोजिशन बाद में बताऊंगा, एकदम वीडियो के एंड में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया था, पिछले वीडियो में, ठीक है, अपना कौन सा ट्रेन था वो, हाँ गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस के साथ जैसा मैंने किया था, एकदम लास्ट में बताया था, इसी तरह मैं इसमें भी लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि ट्रेन तो लास्ट में जाके रुकने वाला है ना, बीच में तो कहीं रुकने भी नहीं वाली। देखिएगा अपना ये ट्रेन कितना लंबा है, बीच में कुछ हमसफर के कोचेस भी है, एक हमसफर का जनरल कार भी दिख रहा था पीछे।
मिनट का गैप इधर हो चुका है। और गाइस अभी हम लोग जो है बेलाकोवा रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करने जा रहे हैं। ये गेम प्ले लगभग 20 मिनट का होगा, ठीक है। जलपाईगुड़ी रोड तक मैं पूरा का पूरा दिखाऊंगा आप लोगों को, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि इस गेम का भी जो है पार्ट टू आएगा तो पहले ही पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। बहुत दिनों बाद जो है हम लोगों को EMD मॉन्स्टर चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भी सिलीगुड़ी सेट का। NF रेलवे का जो है ये सिलीगुड़ी सेट के EMD मतलब रूल करते हैं NF रेलवे को। अभी तो फिलहाल सिलीगुड़ी सेट के जितने भी EMD है सब न्यू गुवाहाटी को दे दिए जा रहे हैं, क्योंकि गाइस अपना जो ये EMD लोको है ना, ये EMD लोको अपना सिलीगुड़ी सेट में ज़्यादा रहने नहीं वाला, मतलब ज़्यादा साल और रहने नहीं वाला। ये इलेक्ट्रिक लोकोस भी आने वाले हैं ना, तो इसलिए खाली किया जा रहा है धीरे धीरे। तो लगभग अगर 10 साल के अंदर अंदर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक लोकोस आना स्टार्ट हो जाएंगे अपने सिलीगुड़ी सेट के अंदर। WAG 9XE जो है अपना सिलीगुड़ी सेट के पास में ही पहले से 200 WAG 9XE, एक का नाम है देशबंधु, एक का नाम है क्रिस होता। तो गाइस यहाँ आप लोग वही सेम सीनरी देख सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं सीधा थोड़ी देर बाद, रानीनगर जलपाईगुड़ी जंक्शन जो होता है उधर एक कर्व होता है वहाँ मिलते हैं, ठीक है। एक बैड न्यूज़ ये है कि हम लोगों को यहाँ रुकना पड़ेगा, लूप किया जाएगा हम लोगों को इधर, ट्रेन को ओवरटेक करवाने के लिए हम लोग यहाँ रुकना पड़ेगा। अब वो ट्रेन हम लोग को बताया नहीं गया कि कौन सा है। हम लोगों ने ट्रेन के स्पीड को रिड्यूस कर दिया है। तो सामने अपना स्टेशन धीरे धीरे लोड हो जाएगा, थोड़ा बहुत लैगी स्टेशन है इसलिए टाइम लगेगा। इधर अपना ट्रेन रानीनगर जलपाईगुड़ी जंक्शन में एक अनशेड्यूल्ड हॉल्ट के लिए एंटर करती हुई। और गाइस मुझे खुद तक नहीं पता कि इस वीडियो में मैंने कितने बार जो है क्लिप काटे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं एडिटिंग का क्लिप तो काट ही दूंगा, अननेसेसरी क्लिप्स में रहने नहीं दूंगा, ठीक है। मेरा लंबा वीडियो भी बनाना नहीं चाहता, पता नहीं मैंने कितने क्लिप्स काटे होंगे, ठीक है। तो आप लोग जस्ट जो क्लिप्स आप लोग देख रहे उसी को एंजॉय कीजिए। तो मैं अभी ब्रेक सप्लाई कर देते हैं, अपना ट्रेन तो एंटर हो चुका है। ओके गाइस इसी के साथ अपना ट्रेन जो है यहाँ रानीनगर जलपाईगुड़ी जंक्शन में आ चुकी है। लेकिन बुरी खबर ये है कि अपना जो ट्रेन ओवरटेक करने वाली है हम लोगों को, वो अभी तक नहीं आई है और ना ही स्टेशन में कोई और ट्रेन है। यही बैड न्यूज़ है। चलिए कोई बात नहीं, वेट करते और तब तक के लिए वीडियो को काट देता हूँ या स्किप कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ एक ट्रेन आ रही है, पैसेंजर ट्रेन है शायद से, एक उत्कृष्ट रेक के साथ। EMD लोकोमोटिव है इसका भी, हेड लाइट ऑन करते हुए आ रही है। ओके सो गाइस ये है अपना सिलीगुड़ी सेट का EMD के साथ हल्दी बड़ी कोलकाता ट्राई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस क्रॉस करती हुई। एक लौकी ऐसी इंडस्ट्री ट्रेन होगी जिसमें AC कोच है। NF रेलवे पर मैं बात कर रहा हूँ, बाकी पूरा इंडियन रेलवे में तो ऐसे बहुत से होंगे जिसमें AC कोच है।
यहाँ तो अभी अपना मेन लाइन में जो है ग्रीन लाइट दे के रखा गया है, लेकिन कब आएगा अपना ट्रेन उसका कोई पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, चलिए कोच कंपोजिशन बता देता हूँ, एक सेकेंड, ट्रैक साउंड आ रहा है। ओ लिटरली इसके लिए इस ओवरटेक के लिए मैं वेट कर रहा था, नहीं मैं इस ओवरटेक के लिए वेट कर रहा था। वैग 9 के साथ फ्रेट ट्रेना को ओवरटेक करके चली गई। वाह भाई वाह, लिटरली मैं इधर अपने ट्रेन के साथ इतना देर तक वेट किया। आप लोगों ने टाइम को भी नोटिस किया होगा, ठीक है, ऊपर यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आप लोग टाइम भी देख सकते होंगे शायद से, या फिर नहीं भी देख रहे होंगे, ठीक है, विजिबल नहीं भी हो सकता होगा आपको टाइम, लेकिन मैं तो नोटिस कर रहा हूँ ना। ओके, येलो सिग्नल मिल चुका है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और गाइस येलो सिग्नल का मतलब ये होता है कि सामने रेड सिग्नल भी हो सकता है, ठीक है, तो हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अभी अभी जो है ट्रेन क्रॉस किया है, तो इतनी जल्दी तो वो जाने नहीं वाली जलपाईगुड़ी रोड। स्लोली जलपाईगुड़ी रोड से निकलते हुए लिटरली गाइस मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, एक अननेसेसरी ओवरटेक के लिए हम लोग को रोक के रखा गया था। लिटरली उस फ्रेट ट्रेन को हम लोगों ने बेलाकोबा रेलवे स्टेशन में भी ओवरटेक किया था, ठीक है, मतलब बेलाकोबा रेलवे स्टेशन में ही ओवरटेक किया था, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, लेकिन उसने हम लोग को भी ओवरटेक किया भाई, उसका क्या औकात है भाई। भाई लिटरली ये पदातिक एक्सप्रेस है, पदातिक एक्सप्रेस एक एक्सप्रेस ट्रेन को ओवरटेक किया है। चलिए देखते हैं ट्रेन निकला भी है कि नहीं, नहीं अभी तक ट्रेन निकला नहीं है, जैसे निकल जाते हैं हम लोग डाल देंगे थ्रॉटल, रुकेंगे नहीं गाइस एकदम। ओके निकल चुका है, सामने भी येलो सिग्नल दे के रखा गया है, इसका मतलब इसके आगे जो है रेड सिग्नल है। अभी हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चल रहे हैं क्योंकि येलो सिग्नल पे जो है ज़्यादा स्पीड रखना नहीं चाहिए, और मैं EMD का जो है स्पीड 45 तक ही रखूँगा, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसका ब्रेकिंग जो बहुत ख़राब है, कहीं भी सिग्नल आ जाता है तो पता नहीं। और यहाँ गेम में विजिबिलिटी भी जो है मतलब दूर तक का विजिबिलिटी वो भी उतना अच्छा नहीं होता। देखते कितना मिनट का जंगले हुआ है। ओके 20 मिनट हो गया, लगता है ये 30 मिनट के ऊपर का गेम प्ले होगा, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा, हो जाएगा यहाँ अपने गेम के अंदर 30 मिनट के ऊपर का, लेकिन मैं बाद में देखना वीडियोस को बीच में से अननेसेसरी क्लिप्स को काट के जो है इस वीडियो को छोटा कर दूँगा, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो लॉन्ग वीडियो उतना देखते नहीं हो ना, इसलिए छोटा ही करता हूँ। चलो ब्रेक सप्लाई कर देते, सामने रेड सिग्नल है, लिटरली आउटर पे आके रुकना पड़ रहा है हम लोगों को। ओके येलो सिग्नल मिल चुका है वापस से,
क्या था मैं, लेकिन जो भी था अच्छा था। ओके, पास वाले बगल वाले ट्रैक्स में भी जो है यहाँ ग्रीन सिग्नल दे के रखा गया, मतलब ज़रूर कोई ट्रेन आने वाला है। और गाइस देखिए क्या सीन है भाई, क्या सीन है गाइस, क्या सीन है। खेतों के बीच में से होते हुए अपनी पदातिक एक्सप्रेस निकल रही है और अभी बहुत जल्द जंगलों में घुसने वाली है। चलिए मैंने फुल स्पीड तो दे दिया क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगला जो सिग्नल है वो कितनी दूर बाद होने वाला है। पहले से थोड़ा अच्छा तरीके से जो है मैं अभी गेम प्ले बनाने का कोशिश करता हूँ। पहले जैसे कि गेम प्ले में मैं सिर्फ अपना ये मेन जो ट्रेन चलाता था उसी को दिखाता था और सिग्नल को ही कवर करता था, बाकी दूसरे ट्रैक से कोई वॉकिंग वगैरह कुछ होता ही नहीं था। स्टेशन में दो तीन ट्रेन देखने को मिलते थे, लेकिन अभी तो हर पल कुछ मिनट बाद ही क्रॉसिंग होता रहता है, मतलब हर 5 मिनट या 10 मिनट बाद क्रॉसिंग होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं गेम प्ले को भी इतना अच्छा बनाने का कोशिश करता हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। हाँ, लेकिन वो भी एक अलग बात है कि आप लोगों ने जो है मेरा गुवाहाटी बेंगलुरु वाला जो गेम प्ले है ना उसमें मेरा उतना भी एक्सपेक्टेशन था नहीं जितना मेरा 30 चतुर्था पे था, तो वो वाला वीडियो जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 700 अबव व्यूज आ गया है उसमें, उसके लिए शुक्रिया, उसका आइकन कभी नहीं भूलूँगा मैं। और यहाँ साइड में आपको देख सकते ग्रीन सिग्नल दे के रखा गया था, मतलब ट्रेन तो निकल गई। सोची इनके स्पीड में अपनी पदातिक एक्सप्रेस बढ़ रही है जलपाईगुड़ी रोड की ओर। और जलपाईगुड़ी रोड के बाद अपना इस पदातिक एक्सप्रेस का अगला स्टॉप होगा माथा भांगा, जो कि इस रूट में अवेलेबल ही नहीं है, अभी तक बना ही नहीं है। हाँ, मैं एक्सटेंशन का काम अभी स्टार्ट करने वाला हूँ पदातिक एक्सप्रेस के गेम के बाद, क्योंकि इस वाले वीडियो के बाद अगला जो वीडियो होने वाला है वो Q&A वीडियो होने वाला है, और Q&A वीडियो के लिए उतना मेहनत करना नहीं पड़ता जितना गेम प्ले के लिए करना पड़ता है। गेम प्ले वीडियोस में ना गाइस बहुत कुछ करना पड़ता है मुझे, हर एक जिस ट्रेन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा उसका तो इन्फॉर्मेशन निकालना ही पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ जिन जिन ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होने वाला है उनका भी इन्फो निकालना पड़ता है, कब होगा क्रॉसिंग, कहाँ होगा क्रॉसिंग। और इधर आप लोग देख सकते हैं ENG लोगों के साथ एक फ्रेट ट्रेन फिर से क्रॉस करती हुई। ठीक है, तो गेम प्ले वीडियो बनाना गाइस आसान नहीं होता, और प्लस एड्स भी डालना पड़ता है ना, एक्टिविटी भी बनाना पड़ता है। ठीक है, बहुत टफ एक्टिविटी बनाना पड़ता है, ट्रैक मार्क ट्रिगर्स ये सब सेट करना पड़ता है, किस टाइम पे किस ट्रेन कहाँ क्रॉस करेगा, कब किस ट्रेन को अपना मेन ट्रेन ओवरटेक करेगा, कब अपने मेन ट्रेन को कोई और ट्रेन आके ओवरटेक करेगा, सब सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो गेम प्ले बनाना आसान नहीं होता। ओके, तो यहाँ अपना जलपाईगुड़ी रोड भी आ चुका है, मैंने स्पीड को भी रिड्यूस कर दिया है। मतलब स्पीड तो रिड्यूस नहीं हुआ है लेकिन थ्रॉटल को रिड्यूस कर दिया है। ओके गाइस, तो इधर आप लोग देख सकते हैं हम लोग का अराइवल हो रहा है जलपाईगुड़ी रोड रेलवे स्टेशन में। और हाँ गाइस, एक सेकंड, यहाँ मैंने कुछ नोटिस किया अभी, यहाँ बगल में एक फ्रेट ट्रेन भी खड़ी है, वो भी एकदम एंड लूप में, यहाँ कभी कोई ट्रेन आके रुकती नहीं है। ठीक है, रेयरली देखने को मिलता है कोई ट्रेन, तो आज हम लोग को ये सौभाग्य भी प्राप्त हो गया, एक फ्रेट ट्रेन देखने को मिला है। पैसेंजर ट्रेन तो उधर रुक भी नहीं सकती क्योंकि यहाँ फेंस लगा हुआ है,
जलपाईगुड़ी रोड के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में हम लोग अराइव करते हुए, और जैसे ही ट्रेन रुक जाएगी मैं आप सभी को कोच कॉम्पोजिशन दिखा दूंगा। चलिए अभी हम लोग जो है ब्रेक्स को अप्लाई कर देते हैं। चलिए एकदम ऑन टाइम गाइस, 10:03 में हम लोग का ट्रेन अराइव किया है। ओवरटेक करवाने के बाद भी हम लोग का ट्रेन जो है ऑन टाइम अराइव किया है 10:03 में, ये अच्छी बात है। और चलिए मैं जल्दी से आपको कोच कॉम्पोजिशन दिखा के चलता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले होता है अपना लोकोमोटिव जो कि WDM 3D होता है, लेकिन आज ऑफरिंग था। उसके बाद होता है ये एक EOG, फिर आता है 3 जनरल के डब्बे, फिर शुरू होते हैं स्लीपर के कोचेस जो कि है 1, 2, 3, 4, 5 स्लीपर के कोचेस होते हैं। उसके बाद शुरू होते हैं AC कोचेस जिसमें होते हैं 3rd AC पहले, ठीक है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 3rd AC के कोचेस होते हैं। उसके बाद 7, 8, 2 2nd AC के कोचेस, ठीक है। उसके बाद 1 2nd AC कम 1st AC का कोच होता है, लेकिन वो TLW में तो LHB वाले कोच में अवेलेबल है नहीं ना, तो इसलिए मैंने 2nd AC डाल दिया। और उसके बाद होता है 1st AC का कोच जो कि दुरंतो लेवरी में भी होता है कभी कभार, ठीक है। और उसके बाद होता है 1 जनरेटर का, ठीक है। यही था कोच कंपोजिशन। ओके गाइस, सो यही था आज का गेम प्ले वीडियो। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ एक सेकंड, ये तो वही ट्रेन है GOMO WAG 9। देखिए सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं, अभी कोची में है, डिस्प्रेशन में है सर, अभी कुछ नहीं बताएंगे, नहीं कुछ नहीं बताएंगे अभी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिस्ट से फॉर बाय।